जय हिंद। मैं राकेश साहू पीएससी अकेडमी से। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत न्यू आईटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप फाइव। मान लीजिए प्रश्न है 1000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की, चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर से, 20% वार्षिक दर से कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर हो, ये प्रश्न दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, छमाही आधार पर हो। यहां पर इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या लिखा है, 1000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की 20% वार्षिक दर से कितने समय में 1331 रुपए हो जाएगी यदि ब्याज की गणना छमाही हो। जब भी ब्याज की गणना छमाही होगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 का डिवाइड करेंगे तथा समय में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में 2 छमाही होते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो जबकि मूलधन बराबर दिया है 1000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 20% वार्षिक। ध्यान दीजिएगा, यहां पर ब्याज की गणना छमाही करना है तो इसको छमाही में कन्वर्ट करेंगे, 20 में 2 का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा छमाही, अर्थात ये हो जाएगा 10% छमाही ब्याज की दर। समय को हम यहां पर कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। समय मान लीजिए है एन वर्ष, जो हमें फाइंड आउट करना है, लेकिन यहां पर छमाही आधार पर गणना करना है ब्याज का, तो समय में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2n छमाही। और यहां पर मिश्र धन दिया गया है ए बराबर 1331 रुपए। ध्यान दीजिएगा, जबकि ए बराबर होता है पी इंटू 1+R/100 पावर में, यहां पर होगा कैपिटल एन, हमने माना है समय को। ध्यान दीजिएगा, ए की वैल्यू है 1331 बराबर 1000 ब्रैकेट में 1+R की वैल्यू है 10% छमाही, एन की वैल्यू 2n, 0 से 0 कटेगा तो ये आ जाएगा आपका 1331/1000 बराबर, ये आएगा 10 से कम 10 11 11/10 की पावर में 2n। ध्यान दीजिएगा, ये है 11 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 10 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1000 पावर में 3, 11/10 पावर में 2n। यहां बेस समान है तो देयरफॉर 2n बराबर होगा 3 के, देयरफॉर n बराबर होगा 3/2, n का मात्रक है वर्ष, इसे हम लिख सकते हैं डेढ़ वर्ष, एक सही 1/2 वर्ष, या 1/2 वर्ष को अगर हम महीने बदलेंगे तो 6 माह आएगा, तो n बराबर लिख सकते हैं 1 वर्ष 6 माह। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिएगा,
मान लीजिए प्रश्न है 16,000 रुपए चक्रवृद्धि ब्याज की 10% वार्षिक दर से कितने समय में 17,640 रुपए हो जाएगा यदि ब्याज की गणना छमाही आधार पर हो, जबकि यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 16,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% वार्षिक ब्याज की दर। ध्यान दीजिएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट वार्षिक है लेकिन ब्याज की गणना छमाही करना है। जब भी छमाही आए तो रेट ऑफ इंटरेस्ट में 2 का डिवाइड कर दीजिए, 10/2%, ये हो जाएगा छमाही ब्याज की दर बराबर, ये आ जाएगा आपका 5% छमाही ब्याज की दर। समय को कैपिटल एन से डिनोट हम कर रहे हैं। मैंने मान लिया कि यह है एन वर्ष, लेकिन यहां पर ब्याज की गणना छमाही है तो समय का में 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2n छमाही। आपका मिश्र धन है 17,640 रुपए। जबकि हम जानते हैं a बराबर होता है p(1+r/100)n, a की वैल्यू है 17,640 बराबर p की वैल्यू है 16,000, 1+ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, ये होगा 100^n, n की जगह रखेंगे इसको 2n छमाही। ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक जीरो से एक जीरो काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 4 चौक 16, 4 एकम 4, तो ये आएगा आपका 441/400 बराबर, ये आपका आएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 दुनी 10, तो ये आ जाएगा आपका 21/20 की पावर में 2n। 441 की जगह हम लिख सकते हैं 21 की पावर 2, 400 की जगह लिख सकते हैं 20 की पावर 2, तो यह आ जाएगा आपका 21/20 की पावर 2n। तो देयरफोर 2n बराबर होगा 2, तो देयरफोर n बराबर होगा 1 वर्ष, अर्थात 1 वर्ष में यह 17,640 रुपए हो जाएगी।